नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के अंदर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जब हमको चोट लग जाती है या कट लग जाता है तब कुछ टाइम के बाद अचानक ब्लड आना बंद कैसे हो जाता है, और दोस्तों इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों हमारे शरीर में कहीं पर भी जब चोट या कट लगता है तो कुछ टाइम के बाद दोस्तों उस जगह पर ब्लड की एक लेयर बनकर सूख जाती है ताकि ब्लड और ज़्यादा ना निकल सके। यह काम दोस्तों ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन के कारण होता है। इस प्रोटीन का निर्माण विटामिन के से होता है, अर्थात दोस्तों जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है उसमें आसानी से ब्लड का थक्का नहीं बनता है और ब्लड निकलता रहता है। दोस्तों अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे शरीर में मौजूद प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज नामक प्रोटीन मुक्त करता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। दोस्तों यह थ्रोम्बिन एक ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिनोजन से क्रिया करता है तथा उसे फाइब्रिन में बदल देता है। दोस्तों यह फाइब्रिन रक्त में अघुलनशील होता है तथा इसकी संरचना फाइबर या रेशे जैसी होती है। दोस्तों ब्लड सेल फाइबर प्रोटीन में उलझी होती है तथा एक थक्के का निर्माण करती है जो कि ब्लड वेसल के प्रोटीन को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है तथा रक्त का बहाव रुक जाता है। हम देखते हैं कि रक्त का बहाव रुकने के बाद एक पीले रंग का द्रव बाहर आ जाता है, यह सीरम कहलाता है। यह ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें ब्लड सेल अनुपस्थित होती है। दोस्तों अगर दो कपल की अगर नज़दीकी रिश्तेदारी में शादी हुई होती है तो उनके बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। इस बीमारी के अंदर रक्त लगातार शरीर से बाहर बहता रहता है। दोस्तों हमने यह तो जान लिया कि बाहर से चोट लगने पर रक्त का थक्का कैसे बनता है, लेकिन दोस्तों वहीं अगर थक्का शरीर के अंदर नसों में बने तो यह खतरनाक होता है। नसों की ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग कई तरह की होती है लेकिन ज्यादातर यह पैर के निचले हिस्से में होती है, लेकिन कभी कभी हाथ, लंग, पेल्वी, हार्ट, ब्रेन, पेट और इसके अलावा दोस्तों नसों और धमनियों में भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि नसों और धमनियों के जरिए ब्लड पूरे शरीर में बहता है। धमनी में बने क्लॉट को आर्टेरियल क्लॉट कहते हैं। इसकी वजह से तेज दर्द, लकवा, दिल का दौरा या हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है। वहीं दोस्तों नसों में होने वाले ब्लड क्लॉट को वेनस क्लॉट कहते हैं। यह धीरे धीरे बढ़ता है और जानलेवा साबित हो जाता है। दोस्तों ब्रेन में हुई क्लॉटिंग को स्ट्रोक कहते हैं। इससे अचानक तेज सिर दर्द, लकवा और कई लक्षण दिखते हैं। ब्रेन की क्लॉटिंग से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। दोस्तों विभिन्न ब्लड क्लॉट के अलग अलग लक्षण होते हैं। यह निर्भर करता है कि रक्त का थक्का कहाँ और किस आकार का बन रहा है। दोस्तों अगर शरीर में ऐंठन, दर्द, सूजन, हाथ पैरों में लालिमा आ जाना, अचानक सांस फूलना, तेज सिर दर्द और खांसी या उसके साथ खून आना आदि लक्षण दिखाई दे तो यह इंटरनल ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो दोस्तों हमने जाना कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो डॉक्टर की परामर्श लें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।